उसने चार लाइन का क्वेश्चन पूछा, कह रही है नो, और फिर बोल रही है आस्क मी क्वेश्चन दैट यू आर स्केयर्ड टू आस्क एनीवन. Why are you not comfortable? Not comfortable बताया तो. तू रह चुकी है ना मल्टीपल रिलेशनशिप्स में. अच्छा ये नहीं डाल सकती ना. एक लड़के से मूव ऑन करना है तो दूसरे लड़के को पकड़ लो. Hi guys, welcome back to my channel and I am back with a super fun video. और इस टाइप की वीडियो हमने आज तक अपने चैनल पे कभी भी नहीं करी है. सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. तो मैंने आई थिंक 100 साल पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आस्क मी क्वेश्चंस दैट यू आर अफ्रेड टू आस्क एनीवन. ये वाली स्टोरी डाली थी मैंने. आई हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस एंड काफी ज्यादा ऐसे भयंकर लेवल के क्वेश्चंस है. मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डेफिनेटली होगा आज. और अकेले तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट कर सकती हूँ. अकेले मैं इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकती हूँ. सो वी हैव अ गेस्ट टुडे. पहले उसको बुला लेते हैं फिर उसके बाद में आगे बात करती हूँ. क्या हो गया? Okay guys, let's call our guest in 3, 2. Our guest. Bola. Let's call our guest in 3, 2, 1. कितने बार? जनरली कितने बार? तो आप लोग इस शायद इसको जानते होंगे. ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है. और इसको इस वीडियो में बुलाने का मतलब ये था कि मतलब हम लोगों में थोड़ा काफी एज गैप है तो थोड़ा वो काफी तो आप लोगों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा कि मैं क्या सोचती हूँ और ये क्या सोचती है. तो ये तो उसमें है, जेन ज़ी में है और मैं मिलेनियल हूँ. ठीक है तो हमारा पहला सवाल है, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप, इट्स रियली गेटिंग डिफिकल्ट. न्यू आंसर. आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप तो मैं कैसे आंसर करूँ? फिर भी तेरे कुछ पर्सपेक्टिव ना मल्टीपल रिलेशनशिप में. अच्छा ये नहीं डाल सकती. How to move on? हाँ तो वैसे तो बोलते हैं कि एक लड़के से मूव ऑन करना है तो दूसरे लड़के को पकड़ लो. क्लीन आंसर ऐसा होता है ना फिर तो कि गेट अ हॉबी, वो तो हर कोई यही बोलता है. पर कितना ऐसा हो सकता है? अब मेरे को नहीं पता किस एज के बंदे ने क्वेश्चन पूछा है. तेरे एज वाला थोड़ा सीरियस हो जाता है, मेरे एज वाला इट्स नॉट. क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं है. क्या इतना मतलब ये नहीं है ना कि मेरे को कल शादी करनी है. यू आर गेटिंग ओल्ड. आई एम नॉट. अपना पसीना साफ करने जाऊँ. मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपने आप पर ध्यान दो और अपने करियर पे ध्यान दो. एंड पर वो तो रिलेशनशिप के साथ भी दे ही रहे थे ना. नहीं ये कैसे हेल्प करेगा? ये तो बहुत एक्चुअल आंसर दे जो सच में हेल्प करे ना. जब कोई बंदा रिलेशनशिप में है तब भी वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, तब भी वो अपने आप पे ध्यान दे रहा है. मैं बोल लूं? नहीं तो मेरा मतलब ये है कि थोड़ा और ऐसा होता है ना, जब भी चाहे फ्रेंडशिप्स में भी ब्रेकअप होता है. मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुझे याद है उसके साथ? तो ऐसे ही होता है कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना कि किसी के साथ बहुत टॉक्सिक हो जाता है और फिर अब मेरे उससे बात नहीं हो रही है तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना मैं कहीं ना कहीं उसको अपने काम में डाल लेती हूँ. मैं थोड़ी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ तो तू काम अच्छे से करने लगती. मैं काम और ज्यादा अच्छे से करने लगती हूँ तो फिर मैं थोड़ी ज्यादा सीरियस हो जाती हूँ काम को लेकर. ये भी हुआ तो मेरा तो ये सजेशन है कि मतलब काम ही बाद में काम आता है. हाँ मैंने समझ ली है ना कि वो ज्यादा बेटर है कि आप थोड़ा अपने करियर पे या पढ़ाई लिखाई पे उस पर करो. बट हाँ ठीक है, बहुत बोरिंग आंसर था मेरा. प्रैक्टिकल आंसर शायद इसका ये कि या तो किसी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो या फिर कहीं घूमने फिरने निकल जाओ. हाँ, वो भी तो सही है. बहुत फिल्मी आंसर है ये, घूमने फिरने निकल जाओ. प्रैक्टिकल है ही नहीं है. तो प्रैक्टिकल कह के दूसरा लड़का बटा लो. ठीक है मम्मी, ये इसका आंसर नहीं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी का बॉयफ्रेंड नॉर्मली बहुत अच्छा बिहेव करता है बट गुस्सा आने पर गाली गलौज करता है तो क्या करना चाहिए? मतलब गाली गलौज करता है और ये सारी चीजें तो छोड़ देना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए. मतलब मैं उस जगह पे होती तो मैं छोड़ देती. सिंपल. मतलब थोड़ा टाइम लगता है बट दिमाग में वो चीज आ जाती मेरी पक्का कि मैं तो नहीं रह सकती इस बंदे के साथ ऐसा. ऑब्वियसली मतलब गाली गलौज मतलब लड़ाई हर किसी में होती है बट एक डायरी में होनी चाहिए. अगर कोई भी तुम में से आप या फिर आपका पार्टनर वो डायरी को क्रॉस कर रहा है तो आज नहीं तो कल वैसे भी वो रिलेशनशिप खत्म हो गई. मतलब इतनी टॉक्सिसिटी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती. तो आई वुड ऑल्सो मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप भी मत रहो उसमें. कौन सी टॉक्सिसिटी? तू क्या कहती है इस बारे में? मतलब हाँ किसी की भी अगर बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम्स दो साइड है, ओवर स्वीट या फिर ओवर ऐसा गाली गलौज, तो हाँ रेड फ्लैग. Am I the only one who waited for a moment for so long and when I get it, I don't want it anymore?
कहीं खुद को डीप She's so mean, guys. No, obviously अगर किसी के साथ इतना कनेक्शन था तो तुरंत तो नहीं हो सकता ना कि हाँ अब तुम नॉर्मल हो गए. कॉन्स्टेंट एफर्ट मारते रहो, नहीं मन करा होगा काम करने का अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का ये सारी चीज में. और पहली बार पढ़ाई के टाइम पे तो ये सब पढ़ना भी नहीं चाहिए, है ना. पढ़ाई के टाइम पे 25 तक ही नहीं करना चाहिए. जब आप कॉन्स्टेंट एफर्ट मारते रहो कंसेंट्रेट करने का, इवेंचुअली हो ही जाएगा, है ना. तो कितना हम लोगों को लग रहा है ना कि हम कितना ज्ञान दे रहे हैं. हाउ डू यू रिमूव योर बॉडी हेयर? रेजर या यहाँ? तू तो लेजर करवा रही थी ना. लेजर करवा रही थी बट वो हुआ नहीं मेरा पूरा, और मेरे पैसे भी चले गए हैं और मेरे सेशंस भी आई थिंक टोटल 4 हुए हैं. तो नीचे हो गई बहुत. टोटल 4 सेशंस हुआ है और कोई फायदा नहीं हुआ और बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर दिए. सो नाउ आई एम बैक टू लेजर. मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में डाल ही नहीं सकती हूँ. क्यों, बीप कर देना. लोग गेस तो कर ही लेंगे आई थिंक. पूरा सेंटेंस पढ़. डू यू थिंक डैश इज इम्पोर्टेंट? आई एम स्केयर्ड टू एंगेज फिजिकली जस्ट टू नॉट रिग्रेट इट लेटर इन लाइफ. नॉट इम्पोर्टेंट. वाई? अब वाई थोड़ी बोला मैं, उसने पूछा डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. अरे तो उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए. उसने 4 लाइन का एक क्वेश्चन दिया है. तू बता. तू नो बोल रही है. आई एम नॉट कंफर्टेबल. पहले तू बोल. व्हाई आर यू नॉट कंफर्टेबल? नॉट कंफर्टेबल बताया तो क्या. कैसी बातें कर रही है. उसने 4 लाइन का क्वेश्चन पूछा, कह रही है नो. और फिर बोल रही है आस्क मी क्वेश्चन दैट यू आर स्केयर्ड टू आस्क एनीवन. आंसर तो कर. नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये. पहले लाइफ में ऐसा होता था, मतलब पहले की चीजें थी ये. ये इम्पोर्टेंट होता था, आपको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ती थी. कंप्लीट बुलशिट. अब कोई इतना सोचता भी नहीं है. कौन सोचता है इस बारे में? कुछ लोग सोचते हैं जो गवार. तो जो सोचते हैं तो उनके साथ आपको रहना भी नहीं है. ठीक है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है. सो या मतलब इस चीज पे इतना आप लोगों को सोचना नहीं. पर रिग्रेट वाली चीज, मतलब डू इट विद द राइट पर्सन. अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा भी नहीं है तब भी तुम्हें उसी के साथ रहना है जस्ट बिकॉज यू लॉस विद दैट पर्सन. वो भी नहीं होना चाहिए. तो इतना थॉट मत दो. अगर इंसान अच्छा है एंड इफ यू आर हैविंग फन जस्ट गो विद इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम फ्रॉम समवन यू हैवंट डेटेड बट वॉज जस्ट टॉकिंग. ये सब नहीं हुआ सर. नहीं. आई थिंक तभी होता है जब अगर ये वन साइडेड है या फिर दो साइडेड भी है. तो सबसे ज्यादा तब होता है जब मतलब इसी में तुम्हारा अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि तुम उस बंदे के इतने क्लोज भी नहीं हो. तो सिर्फ तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं कि तुम सोच रहे हो, तुमने एक अज्यूम, एक इमेज बनाई है उस बंदे की. तू समझ नहीं रही तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या? अच्छा, तूने चल लोगों से बात नहीं करी है फिर ज्यादा. कि मतलब तुम लोग बात कर रहे हो रेगुलरली, तुम रिलेशनशिप में नहीं हो. हाँ, पर तुम बहुत पसंद करते हो उसको. नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मेरे को ऐसे मेल फ्रेंड्स भी नहीं रहे. हाउ टू ओवरकम फ्रॉम समवन? हाँ, हाउ टू ओवरकम. मैं पहले देखो फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी. ये तो वही वाला आंसर हो गया. इतना वो नहीं होना चाहिए ना कि मैं अटैच हो जाती हूँ लोगों से. ऐसा कुछ नहीं है. पर फिर मेरे को पता है कि इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी. मैं इतना फोर्स नहीं कर सकती. मेरी किस्मत अच्छी है. मैं भी जो भी होगा अच्छा होगा. मैं भी ये सोचती हूँ. नई चीजें हो पा रही है तो मैं कभी भी फोर्स नहीं कर सकती बिल्कुल भी. हाँ, उनसे बेटर होगी वो चीज. हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा. वैसा मेरा भी ऐसे ही माइंड सेट है. वॉट वुड यू डू इफ योर पेरेंट्स वर इमोशनली एंड फिजिकली अब्यूजिव, हैव केप्ट यू केज्ड? ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब घर से नहीं निकलने देते थे? ओ, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड होती थी. तो उसका सीन बिल्कुल ऐसे ही था. मतलब उसके पेरेंट्स वर सो स्ट्रिक्ट, उसको लिटरली बेल्ट से मार पड़ती थी. मतलब बहुत ही एक्सट्रीम. और उसके घर चले जाओ अगर तो ऐसा लगता था कि हमने कुछ पाप कर दिया. एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था. हंसना भी अलाउड नहीं था. और ऐसा लगता था कि हम जैसे ही घर से जाएंगे उसको डांट पड़ेगी. तो कुछ बहुत ही, मतलब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है. तो मैं तो बिल्कुल रिलेट भी नहीं कर सकती. तो क्या करना चाहिए बता? क्या कर सकते हैं उनसे? पढ़ो लिखो निकलो. ये बस सोचो पैसे कमाऊंगा, इस घर से दूर जाऊंगा. और घर वालों को कैसे सुधार सकते हो, किस लेवल तक सुधार सकते हो? नहीं कर सकते. उनको नहीं चेंज कर सकते. वो इस एज पे है. खुद को ही चेंज कर सकते हो. निकलो वहां से प्लीज. इतना ज्ञान में क्यों दे रही हो दीदी? क्या करना? सही बात है. उनको इवेंचुअली शायद समझ में आ जाए कि तुम उस पोजीशन पे हो कि आपको पता है ये गलत करती थी. शायद तब वो जाके समझे. अभी तो वो और भी मतलब वो अटैक ही करेंगे. इफ योर कजिन टच योर, व्हाट टू डू? डिड यू लाइक इट?
फर्स्ट क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ पीपल डू लाइक दैट. यस, इंसेस्ट कहते हैं उसको. मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है. अगर हाँ ऑब्वियसली उसने क्वेश्चन पूछा है तो शी डज नॉट लाइक इट. तो अपनी मम्मी को बता बहन, सावधान इंडिया नहीं देखा क्या किसी ने बचपन में? नहीं हो पाता है. कई बार ऐसा होता है ना मम्मी पापा हमें डांट दे तो कि तू क्यों थी इतना. हाँ, तो वो भी चीज होती है. अगली बार वो सामने आए और आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मतलब थोड़ा स्पष्ट होके बोलना पड़ेगा कि हट जा. हाँ, और लाइंस मत क्रॉस कर. वही मतलब आपको ही करना पड़ेगा. चाहे आप किसी से शेयर मत करो बट खुद ही इस चीज को हैंडल करो. उसको थोड़ा सा दिखा के कि हाँ मैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया. थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहो. हाँ. मतलब ऐसा नहीं कि हूँ मैं तो डर गई. अब ये देखियो ये भाविन कितना गंदा इंसान है. _6999 इडियट. इतने छोड़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लिटरली नीड ऑन माई बॉडी. आई एम डन फीलिंग लाइक आई डोंट बट नोबडी दैट आई लाइक लाइक्स मी. सो गो आउट, सी योर ऑप्शंस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये दो बंदे पसंद है पर मेरे को वो नहीं पसंद करते. आप डेटिंग मार्केट में जाओ. अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक यू बैक एंड हाँ यू विल हैव फन. मैं तेरे को देख के बोल रही हूँ, मेरे को खुद को देखना चाहिए. विच वन इज बेटर, सीरियस रिलेशनशिप और कैजुअल डेटिंग? यू आंसर. फन आई थिंक कैजुअल होता है. नो, फन नहीं होता. मतलब मुझे नहीं पता. मैं आई हैव नेवर बीन इनटू एनी कैजुअल रिलेशनशिप बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो चाहती सीरियसली हूँ. हाँ. मैं तो ये चाहती हूँ दिल से बट मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है. नहीं तो फिर मतलब दोनों में आती है दे हर लेवल की. आई थिंक हाँ मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं है. व्हिच वन इज बेटर, इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट. हाँ, व्हाट डू यू वांट? सीरियस एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट ऑल्सो सीरियस. भाई मैं अपना बता रही थी. मतलब इन दिस मोमेंट आई वुड प्रेफर कैजुअल रिलेशनशिप, इवेंचुअली सीरियस. हाँ पर कैजुअल हमेशा बहुत वो होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड. मतलब हाँ एक सीरीज है नॉर्मल पीपल, रीड इट, वेरी गुड. उसमें कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ने बुक है. हाँ कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मली जितना होता है ना कि हाँ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, उतना ही होता है कि वन साइड स्टार्ट्स कैचिंग फीलिंग. बहुत फिल्मी है बट दिस इज व्हाट हैपेंस. मेरे पेरेंट्स लव मैरिज के एकदम अगेंस्ट हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे स्टार्टिंग में. हाँ, हमारे पेरेंट्स भी बहुत, अब तो बहुत चिल हो गए हैं. हाँ. अगर मैं अकेले होती सोच, मतलब मेरी माँ ने कोई बहन नहीं होती, मेरी हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी, और ऐसे ही चल रहा होता. और अब तक शायद मेरी शादी भी हो चुकी होती, सच में हो चुकी होती. बट हम दोनों साथ में है ना तो हम कैसे भी घर वालों को कन्विंस कर लेते हैं, लड़ झगड़ के या जो भी. और हमारे घर पे भी बहुत एक टाइम पे रोज ही हो रहे थे. और ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए, सालों. मतलब बहुत टॉक्सिक रहा है हमारे घर पे भी इस चीज को लेके. तो बहुत टफ जर्नी होती है ये घर वालों को मनाना. बट हाँ अगर आप सच में यू नो इफ यू लाइक समवन और आप सच में चाहते हो कि यू वांट टू गेट मैरिड तो आपको करना पड़ेगा ये. नो ऑप्शन. या तो फिर छोड़ के फिर अरेंज मैरिज कर लो. यही है. व्हाट टू डू इफ यू कन्फेस योर लव to your bestie and he didn't give you any answer yet but talks daily with you. मैं इधर के देखते क्वेश्चन पूछ के मुझे नहीं पता. ठीक है मतलब डोंट फोर्स हिम और बार बार उसे पूछो मत. अगर आपने अपनी चीजें कन्फेस कर दी है तो अगर उसको भी आपके लिए फीलिंग्स होगी तो वो बता ही देगा ना इवेंचुअली. मे बी वो खुद सोच रहा हो या फिर ना उसके मन में ना फीलिंग्स हो, ये भी हो सकता है. और वो फ्रेंडशिप रखना चाह रहा होगा तो इसलिए वो बात करेगा क्योंकि उसको फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट होगी. तो जस्ट डोंट फोर्स इट. यही है मेरा ओपिनियन. रिश्तेदार का क्या करें, उन्हें समझ क्यों नहीं आता, हम पागल नहीं है, हमें पता है क्या चीज सही है और क्या गलत. कुछ नहीं कर सकते रिश्तेदारों का तो. मैं तो झगड़ लेती थी जिसके बाद मेरे को बहुत डांट पड़ती थी कि तू कितनी बदतमीज है. और मैं झगड़ तो नहीं पाती और लेकिन तू ही मेरे को पुश करती थी. हाँ कि तू बोल क्योंकि मैं नहीं, मेरे को ना बोल लेती मेरे को बोलना नहीं आता बिल्कुल भी उस टाइम पे. मैं बोलना बहुत चाहती हूँ बट मेरा मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम है तो मैं नॉर्मली नहीं कन्वे कर पाती हूँ. ये भी अपनी बात रखती है बट इसका तरीका थोड़ा अलग है. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बदतमीज और रूड लगती हूँ. बट मेरा थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि मैं एकदम गुस्से में आ जाऊंगी और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते. ये हो जाता है और फिर आंसू टपकने लगेंगे. सो अलग तू ही स्टूपिड लगेगी. हाँ क्योंकि ये क्या है. हाउ टू नो दैट ही रियली लव्स मी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्पेशली व्हेन ही इज वेरी बिजी. अगर वो करता है तो ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. हाउ टू डील विद फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, आई एम नॉट ओवर इट, इट्स बिन 6 months नाउ. मुझे तो कितना टाइम लगा था, मेरा आज तक एक से डेढ़ साल. एंड आई रिमेम्बर उस टाइम पे
मैं फराटे से वीडियोस बनाती थी सही में. मतलब मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गई थी, पता नहीं क्या है ये चीज मेरे अंदर. सच में कितना अफेक्ट किया मेरे को कि मैं अब तक भी इसे दोस्ती करने में कितना स्ट्रगल करती हूँ. शक होता रहता है लोगों के इंटेंशंस पे सच में कि जेन्युइन है कि नहीं है, और ये आगे भी तो ऐसे ही नहीं करेगी, ऐसा ना हो जाए. तो कहीं ना कहीं अंदर एक है वो, मतलब ये कि मेरे को अभी अच्छे लोग भी मिलते हैं ना आसपास, तो वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उस पर वो नहीं कर पाती हूँ भरोसा सा. ओवरकम करने के कोई तरीके बताने से हो ही जाता है. हाँ मतलब टाइम के साथ हो जाता है सच में ये जो चीज है ना, टाइम हील्स एवरीथिंग. उसके अलावा हाथ में कुछ है ही नहीं, बस आप अपने आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अलग अलग चीजें करके, दैट्स इट. आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर अ पर्सन बट अफ्रेड ऑफ पास्ट trauma. I don't know, should I give it a try? You should. Obviously. हाँ मतलब वो past था और वो इंसान, एक इंसान की वजह से आप अपना future, मतलब क्या पता जो अभी आपके साथ है जिसके साथ आपको try देना है, वो इंसान genuinely अच्छा हो आपके लिए, उससे बहुत better हो. तो ये तो बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए. मतलब मैं नहीं सोचती. और ऐसे ही पता लगता है ना क्या चाहिए क्या नहीं. हाँ जिंदगी कुर्सी वाला वो चीज ना. हाँ एग्जैक्टली योर कुर्सी. मतलब कि अगर आपको कोई पसंद है, मतलब अगर आपको कोई जेन्युइनली पसंद है, तो डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट और उसकी वजह से अपना वो मत खराब करो. सिंपल. हाउ टू टेल समवन दैट वी एब्सोल्युटली हेट देम बिकॉज ऑफ देयर फकिंग बिहेवियर एंड दे नीड टू नो. मैं ऐसे पहले होती थी कि अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो मैं जाके बोल देती थी. और फिर जैसे ही मैंने कोई चीज कन्फ्रंट करी है, सामने वाला इंसान अपनी चीज एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे कि तूने भी तो मेरे साथ उस दिन ये किया था वो किया था, तो वो हमेशा ना आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता था और उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता था और सिर्फ होता था भयंकर झगड़ा और फिर खत्म. तो फिर धीरे धीरे मैंने, पता नहीं मैं कैसी होगी, पता है कि अगर मुझे किसी की कोई चीज बुरी लग रही है तो मैं उसको मतलब मैं उसे दिखाना भी पसंद नहीं करूंगी कि मुझे ये चीज अफेक्ट करी. मैं नॉर्मल रहती हूँ. मुझे अंदर अफेक्ट करती है अगर कोई, जैसे अभी रिसेंटली, ठीक है, बस मैं ये दिखाती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई रिएक्शन ही मत दो. कब तक करेगा वो क्या, अगर आप रिएक्शन लेने के लिए करते हैं ऐसी चीजें. एग्जैक्टली. और आप जितना चिढ़ोगे उसको उतना मजा आएगा. मतलब क्योंकि कुछ लोगों की सच में ये आदत होती है ऐसे चिढ़ाने वाली, और उसमें उनको बहुत सुकून मिलता है. तो इसी को सेडिस्ट बोलते हैं, इसको सेडिस्ट कि हाँ मजा आ रहा है कि कोई सामने वाला दुखी हो रहा है, हाँ परेशान हो रहा है, उसमें उनको एक सुकून मिलता है. वो उनकी आदत होती है. और पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर लेती. मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करती हूँ अब किसी के साथ. बचपन में मजा आता था ना. हाँ फील आती थी झगड़े में, बहुत मजा आता था. अब तो मेरे में वो एनर्जी नहीं है कि मैं किसी से बैठ के लड़ूं. पर तेरे पसीना नहीं निकलता फेस से क्योंकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ. हाँ वो ही ना. हाउ टू नो इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. अगर मेंटली टायरिंग है, हाँ मतलब आपको किसी के साथ आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ड्रेन, मतलब हाँ एनर्जी ड्रेन लग रही है, आपको बहुत लो फील हो रहा है और आपको इतना फिर मन नहीं कर रहा. हाँ कि अवॉइड करने का मन कर रहा है, इट मीन्स आप टॉक्सिक में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप वाला है या फिर कोई भी है. तो अगर वो टॉक्सिक है तो आपको मन ही नहीं करेगा उस बंदे से बार बार मिलने का भी. और कई लोगों को होता है, देखो पता है क्या मजा आता है. हाँ अब ये मेरे को नहीं पता. हाँ मतलब दैट्स वो अट्रैक्ट करता है चीजें टॉक्सिक. तो इसको तो अलग ही नॉलेज है, तो ये अपना है, मेरे को नहीं पता है. आई डोंट नो, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ. बट एफर्टलेस नहीं है कि मनाना पड़ रहा है हर दो दिन में, मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड है चीजें. हाँ इजी गोइंग नहीं है. तो मतलब टॉक्सिक है सिंपल. लोगों से अटैचमेंट कैसे कम करूं, क्यों करनी है ऐसे अटैचमेंट कम, क्योंकि वो होता है ना अफेक्ट होता है फिर बाद में, इसलिए ऑब्वियसली कि लोग कुछ ऐसे कर देते हैं फिर. पर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी हो सकती है भाई. हाँ. कि हर चीज मतलब एकदम सीरियसली. हाँ ठीक है, मतलब अटैचमेंट रखो कोई बात नहीं, दिल टूट जाएगा तो फिर हो ही जाएगा यार. क्या हो गया, दिल तोड़ने से लोग डरते हैं बहुत, है ना. मेरे को नहीं लगता. मतलब ऐसा होता है ना, हर्ट जितना होता है बंदा उसका कैरेक्टर पर्सनालिटी बहुत वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है. पर्सनैलिटी उतनी इंटरेस्टिंग होती है. और ये बोल रही थी कि वो लोग बहुत फनी भी होते हैं. हाँ मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा ऐसे कुछ. हाँ हैज बीन थ्रू अ लॉट. नाइस. गेट हर्ट. सो गेट हर्ट. स्टक विद अ नार्सिसिस्ट बॉय, व्हाट शुड आई डू टू मूव ऑन फ्रॉम हिम. यार सबकी लाइफ सेम है भाई. और ये लड़के इतने क्या कर रहे हैं ये चीज. सेम है, लड़कियां उन इमोशंस में स्टक रहती है कितने टाइम के लिए. हाँ
मैं तो नहीं रहती, मैं भी नहीं रहती था तो फिर मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही, मतलब मैं हार्टलेस हूँ। मेरे दिमाग में हर दिन कम से कम 50 बार ये थॉट आता है कि मेरी एक ही लाइफ है सीरियसली, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी एक स्टूपिड बंदे के लिए तुमने दिन क्यों वेस्ट, मैं नहीं वेस्ट, ठीक है बुरा लगता है अंदर और काम करने का मन नहीं करता, सब कुछ मेरे साथ भी होता है, बट मैं चीजें अपनी करती रहती हूँ, काम मेरा चलता रहता है, क्योंकि मेरे को यही पता है कि सिर्फ यही चीज थोड़ी है यार, और किसी एक इंसान की वजह से मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ। सिंपल, मेरी भी एक ही जिंदगी है, और जरूरी नहीं है हर इंसान ऐसा ही हो, कोई एक इंसान खराब निकल गया तो इजिली ऐसे मूव ऑन सा कर जाती हूँ। तो इसमें सही है, हाँ मतलब इसमें कोई बुराई बात नहीं है, और आपको ऐसे गिल्टी नहीं फील होना चाहिए ओ माई गॉड, और कोई ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम तक तो फील करना ही है कि ओ माई गॉड मेरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ कोई जरूरी नहीं है, ऐसे कोई टाइम नहीं होता है, और जस्ट मूव ऑन, क्योंकि सच में लाइफ बहुत छोटी होती है। ये चीज मेरे अंदर एकदम घर कर गई है अभी से नहीं बहुत टाइम से, तो मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीजन इसी बेसिस पे होता है दैट यू ओनली लिव वंस। सो यहाँ धोखा खाया है या दिया है, धोखा धोखा तो ना खाया है ना दिया है, तूने तुझे धोखा मिला है बता। सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड सर्कल, सजेस्ट टिप सो पीपल फाइंड मी कूल। मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं है। क्यों तू बात तो कर लेती, तू इंट्रोवर्ट तो नहीं है? अब हो गई हूँ शायद, अब इंट्रोवर्ट हो गई है। नहीं अब मैं बात कर लेती हूँ। नहीं तो बोलती थी तो स्कूल में भी आंसर्स दे देती थी जब तक कोई चीजों के बारे में पता तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ अंडर कॉन्फिडेंट है क्या? शायद मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या नहीं। हाँ तो वही कई लोग शाय और इंट्रोवर्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आई थिंक आई एम शाय, आई एम नॉट इंट्रोवर्ट। अभी जैसे मैं इवेंट्स में भी जाती हूँ या कहीं ऐसे लोगों से मिलती हूँ, तो अगर मैं खुद को मैं सुंदर लग रही हूँ ना, मेरा आउटफिट मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल मैं अच्छी फील कर रही हूँ, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, फिर मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो हाँ तो फिर मैं मेरा सारा वो इंट्रोवर्ट खत्म हो जाता है, और जब मुझे लग रहा है ना कि शिट मैं अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैं नहीं बात कर पाती, तो मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है और फिर मैं बन जाती हूँ इंट्रोवर्ट। हाँ तो लोग शाय को भी ऐसे यूज करते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ तो आई थिंक हाँ मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर सही किया था। ओके गाइस दैट वाज इट, ऊपर देख लीजिए, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। सो हमने जितने भी मतलब हमें जितना लगा कि हाँ हमें इन चीज़ों के सवाल का जवाब देना चाहिए, हमने उनका ट्राई किया, एंड हमें पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि हमने क्या क्या बोला है ना। अरे उधर देख के क्यों बात कर रही है? मैं तो तेरे तरफ देख रही हूँ, तो मैं भी तो तेरे को ही देख रही है ना, देख के इधर भी तो देख सकते हैं, देख मेरी तरफ। तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम साथ में कैसे लगे, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो जस्ट लेट मी नो। यस कुछ बोल, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलना कुछ बोल, क्या बोलू, ये बोल कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पूरा सुन लेंगे, पूरा बोला, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ये बनेगी इसको पता है, इसको यूट्यूब चैनल टैटू। गाइस कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसी लगी है। क्या वहाँ की लाइट्स ऐसे ऐसे हुई? मैं सीरियस थी, सही में हुआ मेरे पहले। चलो बाय, लव यू, बाय।